साथियों नमस्कार। साथियों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के जंक्शन में। साथियों फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। जानेंगे जीके से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जी फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जी फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला सवाल है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था? जी साथियों, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। अगला सवाल है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जी फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार राज्यों का संघ किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार राज्यों का संघ किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान के अनुसार राज्यों का संघ भारत को कहा जाता है। अगला सवाल है, रेशम का उत्पादन किस पेड़ के पत्तों पर किया जाता है? जी फ्रेंड्स, रेशम का उत्पादन किस पेड़ के पत्तों पर किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, रेशम का उत्पादन शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अगला सवाल है, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन सिटी कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन सिटी कहाँ स्थित है? जिसका ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलोर, सी कानपुर, डी कोलकाता। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सिटी कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिटी बेंगलोर में स्थित है। तो साथी वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथी वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।